डायनासोर की मौत कैसे हुई? क्या आज भी हमारे बीच डायनासोर की कोई प्रजाति जिंदा है? डायनासोर एक ऐसी भयानक प्रजाति जिसने आज से 243 मिलियन साल पहले ट्रायसिक काल में जन्म लिया। डायनासोर ने हमारे पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ सालों तक राज किया है। डायनासोर रेप्टाइल्स या रेंगने वाले जानवरों के ग्रुप से बिलोंग करते। दोस्तों, डायनासोर शब्द का अर्थ होता है एक भयानक छिपकली। आज से अरबों साल पहले पृथ्वी पर केवल इन्हीं विशालकाय और दैत्याकार जीव का बोलबाला था। उस समय डायनासोर पृथ्वी के हर महाद्वीप पर 1500 से ज्यादा प्रजातियां के साथ निवास करते थे। लेकिन 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डायनासोर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डायनासोर आज भी हमारे बीच ही है, बस उनका रूप थोड़ा सा बदल गया है। आज से 66 मिलियन साल पहले एक विशालकाय एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही समय में वो एस्ट्रोनॉट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया। कुछ ही पलों में ये आग का गोला पृथ्वी की सरफेस से टकरा गया। जैसे ही ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से टकराया तो उस स्थान से 3100 क्यूबिक किलोमीटर अर्थ कष्ट तेजी से उठकर स्पेस की ओर चला गया। इधर जमीन पर टक्कर की वजह से महाविस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 800 किलोमीटर के वृत्ताकार गहरे में आने वाला प्रत्येक जीव इससे निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन के कारण तुरंत मर गया। ये टक्कर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोट से अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस महाभयानक टक्कर के बाद उस जगह से धूल का एक भयंकर गुब्बार उठा। ये गुब्बार इतना खतरनाक था कि इसने कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी को धूल के बादलों से ढक दिया। इन बादलों की परत इतनी मोटी थी कि इनको पार करके सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी उस महाविनाश की जो आने वाले कुछ सालों में होने वाला था। एस्ट्रॉइड की पृथ्वी से टकराने की वजह से पृथ्वी के सेंटर में एक भयंकर कंपन पैदा हुआ और अगले कुछ ही पलों में इस कंपन ने एक उच्च तीव्रता वाले भूकंप का रूप ले लिया। इस भूकंप की वजह से समुद्री इलाकों में उठने वाली ऊंची ऊंची सुनामी लहरों ने पृथ्वी पर जल तांडव करना शुरू कर दिया। इस महाभयानक टक्कर के कुछ समय बाद आसमान से एक बार फिर से आफत बरसने लगी। पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत ना हटने की वजह से तापमान भी 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सूर्य का प्रकाश ना मिलने की वजह से धीरे धीरे धरती के सभी इलाकों के पेड़ पौधे मुरझाकर सूखने लगे। ऐसे में शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी प्रजातियों ने भोजन के अभाव में दम तोड़ दिया। अब बारी थी मांसाहारियों की। शाकाहारी प्रजातियां के खत्म होने के बाद डायनासोर के सामने भोजन की कमी एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी थी। भूख से निजात पाने के लिए डायनासोर के एक समूह ने दूसरे समूह पर हमला करना शुरू कर दिया। जो भी ज्यादा ताकतवर होता वो दूसरे को मार कर खा जाता। करीब एक साल बाद डायनासोर की 70-80% प्रजातियां खाने और पानी के अभाव में विलुप्त हो गई। बाकी बचे हुए 20% डायनासोर भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे को अपना शिकार बनाने लगे और कुछ ही समय में डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। लेकिन दोस्तों, इस समय भी एक प्रजाति ऐसी थी जिसने अपने आप को इन सब हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचा लिया और वो थे मैमल्स। उस समय के छोटे छोटे जीव जो डायनासोर से बचने के लिए जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे और यही मैमल्स आगे चलकर नई प्रजातियां के उद्भव का कारण बनने वाले थे। जिस समय एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से टकराकर अपने विनाश लीला रच रहा था, उस समय इन मैमल्स ने अपने आप को बिलों में छुपाकर उस विनाश लीला से बचा लिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर खाने की कमी होती गई तो इन मैमल्स ने जो कुछ भी मिला उसी को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत हटती गई। एक बार फिर से सूरज की रोशनी ने धरती को स्पर्श किया। एक बार फिर से वसंत ऋतु आई और एक बार फिर से प्रकृति ने अपना सुंदरतम रूप दिखाया। धीरे धीरे चारों तरफ हरियाली हो गई और सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। बस कमी थी तो उन विशालकाय जीवों की। लेकिन अब ये वक्त था नई जातियों के पनपने का। जिन मैमल्स ने अपने आप को उस त्रासदी से बचा लिया था, अब आने वाले समय में वही एक नया भविष्य रचने वाले थे। जैसे जैसे समय बीतता गया विभिन्न प्रजातियां अपने आप को विकसित करती गई और इसी समय चक्र में एक नई जाति ने जन्म लिया जो आज भी इस पृथ्वी पर राज कर रही है। लेकिन क्या उन विशालकाय डायनासोर की कोई प्रजाति अब भी जिंदा हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। आज भले ही साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में नए नए इतिहास रच रहा है, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि आज भी हम अपने पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं जान पाए। आज भी हमारी पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों ऐसे स्थान हैं जो अब भी इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। कुछ तो ऐसे रहस्यमय स्थान भी है जिनके बारे में साइंस जानता तक नहीं है।
ऐसे में हो सकता है कि उस युग के डायनासोर की कोई प्रजाति बड़े आराम से अब भी उन रहस्यमय स्थानों पर विचरण कर रही हो, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है कि बहुत से विशालकाय प्रजातियों को साइंस ने विलुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन वो प्रजातियां देर से ही सही लेकिन एक बार फिर से लोगों के सामने आई। अफ्रीका के विशाल घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने भी समय समय पर उन जंगलों में डायनासोर की तरह ही दिखने वाले विशाल और भयानक जानवर देखने का दावा किया है। इसीलिए हो सकता है कि आज भी कहीं किसी आइलैंड पर या किसी घने जंगल में कोई डायनासोर का बच्चा उछल कूद कर रहा हो।